दोस्तों 19 मई को कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साइकिल चलाती एक महिला की तस्वीर ट्वीट की, जिसमें महिला ने अपने बच्चे को पीठ पर बांधा हुआ है। साइकिल के पीछे वाली सीट पर एक बोरी भी बंधी हुई दिख रही है। सुरजेवाला ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इस पिक्चर को पोस्ट किया ताकि न्यू इंडिया का सच। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके इस ट्वीट को डिलीट किए जाने से पहले इससे 190 बार रिट्वीट किया जा चुका है। सुरजेवाला ने ये तस्वीर उस वक्त शेयर की है जब देश में लॉकडाउन की वजह से लाखों प्रवासी मजदूर अपने राज्य वापस जाने के लिए पैदल ही सफर कर रहे हैं। दोस्तों इस तस्वीर की जब हमने पड़ताल की तो यूके बेस्ड ब्लॉग cyclechick.co.uk की एक रिपोर्ट में ये तस्वीर मिली। 2016 के आर्टिकल में इस तस्वीर का सोर्स पिन इंटरेस्ट को बताया गया है। पिन इंटरेस्ट ने इस तस्वीर का श्रेय infonews.com नाम की एक वेबसाइट को दिया है। तस्वीर के साथ बताया गया है कि महिला और उसके बच्चे की ये तस्वीर नेपालगंज के नेपाल में ली गई है। यहाँ पर साइकिल से ट्रैवल करना एक आम बात है। हालांकि दोस्तों बता दें कि पिन इंटरेस्ट पर दिया गया infonews.com लिंक बंद हो चुका है। दोस्तों मीडिया की एक फैक्ट चेक रिपोर्ट में इस तस्वीर के यूरोपियन प्रेस फोटो एजेंसी में उपलब्ध होने की बात बताई गई है। फोटो एजेंसी द्वारा दी गई डिटेल के मुताबिक इस तस्वीर को नरेन श्रेष्ठा ने 29 जून 2012 को खींचा था। कैप्शन में बताया गया है कि एक नेपालियन महिला ने अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर राजधानी काठमांडू से करीब 573 किलोमीटर दूर नेपालगंज का सफर तय किया। तो दोस्तों रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नेपाल की 8 साल पुरानी तस्वीर को भारत का बताते हुए शेयर किया और बाद में बिना कोई सफाई दिए चुपचाप से डिलीट कर निकल गए। दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में लेकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।